नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, वीडियो में बात कर रहे हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। स्टॉक का प्राइस दोस्तों 80 रुपये 35 पैसे के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है 4.96% का। स्टॉक के प्राइस में 3 रुपये 80 पैसे की जो बढ़ोतरी है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों, अगर पिछले 5 दिनों का ग्राफ देखेंगे तो पिछले 5 दिन पहले स्टॉक का प्राइस 71 रुपये 65 पैसे था और स्टॉक में लगातार आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ नजर आ रही है। 12.14% का ग्रोथ दिखाया है पिछले 5 दिनों में। और आज से एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी, इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस किया था। तो आपको सजेशन दी थी कि आप लोग इस स्टॉक में पैसा जरूर लगाइए, और अगर आप लोगों ने एक हफ्ता पहले भी पैसा लगाया होता तो अप्रोक्सीमेट 12% जो रिटर्न है आप प्राप्त कर चुके होते। और रही बात दोस्तों स्टॉक का टारगेट क्या है फ्यूचर में, दोस्तों स्टॉक का टारगेट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। 80 रुपये का स्टॉक अगर 1 या 2 साल तक अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो मेरे हिसाब से जहाँ तक है आपका पैसा 3 या 4 गुना 100% यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो सीजी पावर कंपनी है ये मुरुगप्पा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। मुरुगप्पा ग्रुप ने इसका स्टेक बाय किया है, और जब से मुरुगप्पा ग्रुप ने इसके स्टेक को बाय किया तब से स्टॉक में जबरदस्त जो उछाल है, जबरदस्त जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। आगे अगर बात की जाए 1 महीने पहले की, तो 1 महीने का चार्ट आप देख सकते हैं लगातार तेजी बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना के वजह से लॉकडाउन की न्यूज़ आने लगी तो स्टॉक में जो प्राइस है वो काफ़ी गिरा और वापस से अपर सर्किट बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 6 महीने पहले का अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ वाली पोजिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 163.1% का जो रिटर्न है वो दिया है, यानी कि स्टॉक के प्राइस में अप्रॉक्सीमेट 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई। दोस्तों आज से 6 महीने पहले 30 रुपये के ऊपर ट्रेंड करने वाला स्टॉक आज 80 रुपये 35 पैसे के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों ने 6 महीने पहले भी पैसा लगाया होता तो आपका पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। अगर 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले आपको बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर चार्ट देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले स्टॉक का प्राइस 7 रुपये 25 पैसे था, यानी कि आज ही के दिन 1 साल पहले स्टॉक का जो प्राइस था वो 7 रुपये 25 पैसे है, और स्टॉक ने लगभग 1008% रिटर्न जो है यहाँ पर दिया है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर 1 साल पहले पैसा लगाया होता तो आज आपका पैसा कितने गुना रिटर्न आपको दे चुका होता। अगर बात की जाए पिछले 5 सालों के ग्राफ की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज से 5 साल पहले स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़बरदस्त था। तो ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक के प्राइस में गिरावट जो है वो कंटिन्यूसली बनी रही। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि क्रम्पटन ग्रीव्स के नाम से पहले ये कंपनी जानी जाती थी, जिसके अंदर कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने करोड़ों की घपलेबाजी की और इलीगल ट्रांजेक्शन्स हुई, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस जो है वो जनरेट हुआ था, लॉस जो झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में काफ़ी बड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। और लास्ट ईयर कोरोना यानी कि लॉकडाउन भी लगा था, जिसकी वजह से स्टॉक में और गिरावट यहाँ पर बनी। लेकिन जब से मुरुगप्पा ग्रुप ने स्टेक बाय किया है सीजी पावर का, तब से स्टॉक में ज़बरदस्त जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आपको बता दें कि मुरुगप्पा ग्रुप की बहुत सारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें BSA हरकुलिस आप लोगों ने सुना होगा, BSA साइकिल सुनी होगी, और अगर ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का शेयर आप देखेंगे तो आज के दिन यहाँ पर 1242 रुपये का शेयर आपको देखने को मिल रहा है, और ये भी मुरुगप्पा ग्रुप का ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लेवल समझ सकते हैं दोस्तों, मैं ये शेयर क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब 1245 रुपये के ऊपर ट्रेंड करने वाला शेयर, और उसी कंपनी ने सीजी पावर को यहाँ पर अपना स्टेक जो है वो बाय किया है। तो आप सोच सकते हैं कि टारगेट्स क्या देखने को मिलने वाले हैं फ्यूचर में। तो मेरी तरफ से कम्प्लीटली सजेशन है कि आप सीजी पावर का शेयर जरूर से जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अगर बात की जाए इसके प्रोज एंड कॉन्स की, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो दोस्तों कॉन्स वाला सेक्शन आप भूल जाइए, क्योंकि जो भी डाटा यहाँ पर शो कर रहा है वो प्रीवियस डाटा शो कर रहा है, यानी कि मुरुगप्पा ग्रुप से पहले जो कंपनी थी उन्होंने जितनी भी घपलेबाजी की थी उसकी वजह से यहाँ पर कॉन्स के जो पॉइंट्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो प्रोज है वो आप देख सकते हैं, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी जो है उधारी खत्म कर रही है, डेप्टर डेज भी यहाँ पर काफ़ी कम होते हुए नजर आए हैं। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो पहले देखिए काफ़ी अच्छी खासी सेल हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इसमें फ्रॉड्स होने लगे,
सेल्स काफी डाउन जाने लगी, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर वापस से उसी प्रकार का मोमेंटम देख सकते हैं। जून 2020 में 363 करोड़ की सेल थी, सितंबर में डबल हुई है और दिसंबर में 820 करोड़ की। अब Q4 का रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। एक्सपेंसेस वगैरह लेस करने के बाद, सारे खर्चे निकालने के बाद नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 110 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर 2020 में था और 540 करोड़ का यहाँ पर लॉस जो है कंपनी ने जनरेट किया दोस्तों। ये जो लॉस है ये क्यों जनरेट हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अदर इनकम जो है उसमें इन्हें काफ़ी लॉस जो है देखने को मिला है 1008, और ये अदर इनकम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया दोस्तों। तो ये जो अदर इनकम्स हैं ये लास्ट कंपनी यानी कि इससे पहले जो भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन थे उनकी वजह से ये जो नो लॉस है ये झेलने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली कंपनी उभरती हुई नजर आएगी और इसके जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला के दोस्तों जितने भी शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखा होगा स्टॉक। अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं दोस्तों। देखिए अगर मार्च 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। दिसंबर 2020 में 53.18% स्टेक जो था वो प्रमोटर्स के पास था, जो कि इंक्रीज हुआ है 53.24% हो चुका है। और FIIs की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी होती हुई नज़र आई है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और पब्लिक जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा लगा रहे हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा लगा रहे हैं। तो कंपनी में कुछ तो पावर है जिसकी वजह से लोग पैसा लगा रहे हैं। तो आपको भी इसी के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए और अपने पैसे को डबल ट्रिपल या इससे भी कहीं गुना बनाने के लिए ऐसे शेयर्स के ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए। तो दोस्तों डिसीजन आपका होगा। आपको मैंने चार्ट के बेस पे समझा दिया कि कंपनी कहाँ तक पहुँचने वाली है, कहाँ ग्रो कर सकती है, आपका पैसा कितने गुना हो सकता है। आप खुद से भी सारी चीजें चेक कर लीजिए और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी सीजी पावर के शेयर्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ के साथ प्राइस जरूर मेंशन कीजिएगा जिससे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता लग सके कि लोगों ने यहाँ पर पैसा बनाया है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।